नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे खबर बिहार 24। अब धीरे धीरे बिहार के चुनाव में सरगर्मी आती जा रही है। अब भाजपा के नेतागण सफाई देते दिख रहे हैं कि चिराग पासवान से उनका कोई वास्ता नहीं है। अमित शाह, भूपेंद्र यादव ने भी सफाई देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि चिराग पासवान कहते हैं कि पीएम मोदी मेरे दिल में बसते हैं, वो मेरे भगवान हैं, मैं उनका हनुमान हूँ। ऐसी स्थिति में वोटरों के बीच में भ्रम फैल रही है, कहा जाता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि भाजपा से जितने बेटिकट हुए भाजपाई हैं, सारे के सारे लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो जीत कर आएंगे तो फिर भाजपा के गोद में बैठेंगे? यह एक विकल्प खुली हुई है, क्योंकि अमित शाह ने कह दी कि चुनाव के बाद देखेंगे, फिलहाल अभी गठबंधन नहीं है। उधर तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला भाजपा और जदयू के नेतागण कर रहे हैं। एक बात समझने की है, दो युवा नेता बिहार में, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, दोनों के ऊपर हमला बढ़े हैं जदयू और भाजपा के नेतागण। आखिर क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई? युवा तुर्क की बात करने वाले सरकार युवा के ही विरोध में खड़े हैं। तेजस्वी यादव लालू जी के पुत्र हैं, अनपढ़ हैं, ऐसा प्रचार किया जाता है। चिराग पासवान से कोई वास्ता नहीं है, चिराग पासवान मोदी जी का नाम ना ले, चिराग पासवान से गठबंधन नहीं है, यह प्रचारित किया जाता है। आखिर यह समझने की बात है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के विरोधी भाजपा के लोग या जदयू के लोग क्यों हैं? भाजपा के नेता बड़े या छोटे, जदयू के नेता बड़े या छोटे, आखिर इन नौजवानों से इतना अधिक दूरी क्यों बनाना चाहते हैं? नौजवान में, होनहार नौजवान के विरोध में इस तरह से खड़ा होना आखिर क्या वजह हो सकती है? युवा तुर्क के राजनीति में आ जाने से क्या उन नेताओं के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी जो नेता हमेशा सिक्का बिहार में जमा कर रखना चाहते हैं? युवा तुर्क के आ जाने से युवा वर्ग प्रभावित होंगे, युवा तुर्क आ जाने से युवा तेजी से काम करेंगे। आखिर वजह क्या है? क्या है वजह कि तेजस्वी और चिराग दोनों के खिलाफ भाजपा और जदयू खड़ी है, आलोचनाओं की लड़ी लगी हुई है? यह समझने की बात है, यह बिहार वासियों को समझना होगा कि लालू जी के पुत्र तेजस्वी अगर खराब हैं तो फिर रामविलास के पुत्र चिराग भी खराब हो गए। दोनों खराब हैं तो सबसे अच्छे जदयू और भाजपा के नेतागण हैं। क्यों का जवाब देना होगा कि क्यों इन दोनों के दुश्मन बन बैठे हैं मोदी और नीतीश? तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।